नमस्कार, आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पानसेमल नगर के जयस संगठन के द्वारा नेमावर में डेढ़ माह से गुमशुदा हुए आदिवासी समाज के 5 व्यक्तियों की हत्या के मामले में हत्या के आरोपियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर आज दोपहर 12:30 पर मुख्यमंत्री के नाम पुलिस थाना पानसेमल के थाना प्रभारी को ज्ञापन दिया गया, जिसके कारण भविष्य में इस प्रकार के अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। जयस संगठन के जिला सह सचिव सुरेश ने जानकारी देते हुए कहा कि पीड़ित परिवार में एक सदस्य को नौकरी, सरकारी नौकरी और 1 करोड़ मुआवजा राशि और पुलिस की सुरक्षा दी जाए। ज्ञापन देते समय जो है संगठन के पदाधिकारी के साथ सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे हैं। सुरेश डुडवे, जय जिला सह सचिव पानसेमल। देवास जिले के नेमावर में जघन्य अपराध हुआ है, उसको लेकर हम लोगों ने ज्ञापन दिया है पानसेमल थाना प्रभारी को। ज्ञापन में उपस्थित सर्व आदिवासी समाज के युवा और जयस वीर एकलव्य संगठन और भी समाज के बाकी बहुत से संगठन और पार्टी के कार्यकर्ता वगैरह सभी मौजूद रहे। मामले की निष्पक्ष जाँच की जाए, नहीं तो सर्व आदिवासी समाज द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। पुतला दहन किया गया है। अरे उसको चलाने तो आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 आदिवासी एकता जिंदाबाद 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 सुरेश कुत्ता मुर्दाबाद 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 सुरेश कुत्ता मुर्दाबाद 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 पुलिस प्रदर्शन हो उसमें आओ। पानसेमल से शकील मंसूरी की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहे आज तक 24 न्यूज़।